एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सोल्जर जीडी में आप कौन कौन सी टॉपिक छोड़ सकते हैं। हम इसके बारे में सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे, सिलेबस भी बता दूंगा, लेकिन मेनली जो बात करूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, किस किस टॉपिक में किस किस सब्जेक्ट में आपने जोर देना है, जो अग्निवीर जीडी और वुमेन मिलिट्री पुलिस महिला अग्निवीर के लिए, ये दोनों के लिए लागू है आप लोगों को, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देख लेना, ठीक है। पहले समझते हैं कि इसका पासिंग मार्क कट ऑफ समझते हैं, और आपको एक चीज़ आज बताने वाला हूँ कि इसका कट ऑफ कैसे होगा, ठीक है। देखिए जनरल नॉलेज में क्वेश्चन बोल रहा है 15 क्वेश्चन मैं करूँगा, मतलब क्या होगा एग्जाम में आएगा, तो उसमें आपको 30 मार्क आपको जब फुल मार्क रहेगा। वहाँ पर बोल रहा है जनरल साइंस का मैं 20 क्वेश्चन डालूंगा जिसमें आपको 40 मार्क का मिलेगा। वहाँ पर बोल रहा है कि मैथ का मैं 15 क्वेश्चन दूंगा जिसमें 30 मार्क, मतलब हम लोग अगर इसको माने तो एक क्वेश्चन का 2 मार्क हमारा बच जाता है। ये है पास मार्क 32, मिनिमम पास मार्क क्या 32। लेकिन मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, अगर आपने CEE अभी पहले होने वाला है तो आपको अगर शॉर्टलिस्टेड होना है तो आपको 50 मार्क्स से 55 से लेकर 65 लाना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड होना है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे महिला अग्निवीर हो या पुरुष का जो जीडी है, ठीक है, ये है आपका शॉर्ट लिस्टिंग का नंबर। यहाँ से अगर आपको मेरिट लिस्ट में आपने जगह बनाना है तो आपको 65 से लेकर 70 तक नंबर लाना है, 65 से लेकर 75 नंबर लाना है अगर आपको BRU से सीधा ट्रेनिंग सेंटर के लिए टिकट चाहिए। सीधी सी बात है, इससे कम नंबर होगा मेरिट लिस्ट में आप कट जाओगे, ठीक है। वहाँ पर इसके साथ आपको फिजिकल में 100 नंबर लाना होगा, लाना ही होगा, ठीक है। फिजिकल का आपको पता है 545 और 530, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी डाउट है बताना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक रिमार्क में डाला है NCC सर्टिफिकेट होल्डर आर एग्जम्प्टेड, बिल्कुल नहीं है, अभी फिलहाल इसको चेंज कर दिया गया है, अभी एग्जम्प्टेड नहीं है, पहले का है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपने मेनली पढ़ना है। अभी आते हैं जनरल नॉलेज में, यहाँ पर देख लीजिए जब भी आप ऐसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो, सबसे पॉइंट आपका ये है, ये आपके सामने होना चाहिए टेबल पे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपके सामने होना चाहिए, इसमें माइनस मार्किंग है 0.25 माइनस मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा साइंस में है, तो साइंस में कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जनरल और मैथ्स में है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जनरल साइंस को पढ़ के याद रख सकते हैं, GK पढ़ के याद रख सकते हैं, लेकिन मैथ नहीं होता। लेकिन हमें कितना मार्क चाहिए, 32 मार्क यहाँ पर चाहिए, लेकिन अगर हमारे को सिलेक्ट होना है 60 लेके चलते हैं, ठीक है, 60 मार्क मतलब हमारे को 30 क्वेश्चन करना है। अगर हम GK के 15 क्वेश्चन और साइंस के 15 क्वेश्चन कर दिए, 15-15 हो गया 30, या फिर दोनों को मिला के अगर 30 कर दिए तो हमारा कटअप और मेरिट लिस्ट में नाम आने की बहुत चांसेस है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैथ को छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर मैथ में आपको ज़्यादा दिक्कत आता है तो, ठीक है, यहाँ पर हम दोनों सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट मानेंगे, क्या बोलेंगे, कोर सब्जेक्ट। यहाँ पर हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चलेंगे, भाई हमने इसमें से कम 25-30 से तो ठीक करना ही है, ठीक है, 4-5 ही गलत कर सकते हैं, या नहीं करेंगे छोड़ देंगे, लेकिन क्या है बाकी क्वेश्चन हम सही करेंगे, ठीक है। मैथ का हम 5 लेके टारगेट हैं, टारगेट 30 और 5 हो गया हमारा 35, नंबर आ गया हमारा 70, ठीक है। यहाँ पर ये प्लान आपका होना चाहिए अगर आप मैथ में कमज़ोर है, ठीक है, उसके लिए बताया, अगर आप मैथ में बहुत अच्छी बात है, अगर आप बहुत मैथ में अच्छे हो तो, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सिलेबस आप छोड़ सकते हैं, क्या क्या सिलेबस में ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एब्रीविएशन में नेशनल और इंटरनेशनल का जो एब्रीविएशन होता है उसमें गाइस एक नंबर आता है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, एब्रीविएशन आपका आता है। स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर अवार्ड एंड प्राइज, नेशनल अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड और नोबेल प्राइज, ध्यान से देखना। यहाँ पर इंडियन आर्मी हमेशा जो ज़्यादा फोकस करता है ना, एक नोबेल प्राइज के ऊपर, एक गैलेंट्री अवार्ड्स के ऊपर, नेशनल अवार्ड्स को बहुत ही कम फोकस करता है। मेनली आजकल ये गैलेंट्री अवार्ड्स बहुत ज़्यादा करने लग गए ड्यू टू डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, नहीं तो 50-50 है नोबेल प्राइज और गैलेंट्री अवार्ड्स का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट डेट्स एंड बैटल इन इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री लैंडमार्क्स, इंडिया हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ठीक है। मैं बताता हूँ गांधी जी के टाइम में जितना भी मूवमेंट्स हुआ है इंडिया में वो पढ़ लेना, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डांडी मार्च, ये मार्च, शांति आंदोलन जो भी है, कांग्रेस, 1950 तक पढ़ लेना, ठीक है, कहाँ तक, 1950 जनवरी 26 तक पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा गांधी जी का, ठीक है, बिल्कुल आएगा आपके, इसमें नो डाउट, ठीक है। उसके बाद बैटल में जो पानीपत, सोनीपत वो वाला जो बैटल हुआ है जो उसी टाइम का, वो बैटल पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये दोनों बेसिक पढ़ लेना, दो क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाएगा। चलिए ज्योग्राफी में, यहाँ पर देखिए सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोरेशन, द अर्थ्स प्रिंसिपल पार्क्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, फेमस वाटरफॉल्स, जियोग्राफिकल टॉलेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, ETC। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका, एक तो ये आ जाएगा टॉलेस्ट रिवर, बिगेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। लूसेंट का एक बुक खरीद लेना भाई, लूसेंट का या फिर आर्यंत का, यहाँ पर ये दोनों बुक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देखो
भाई मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं, काला जादू करके आपके नंबर से ले आऊँ, जो रियलिटी बात बता रहा, पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, एक बुक के जगह दो बुक पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मैथ को एज ए लास्ट सब्जेक्ट रखे, इन दोनों को कोर सब्जेक्ट रखे पढ़ाई करें, अगर हमारे ये प्लान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक आपको बता दिया, ठीक है, उसके बाद रिवर लेक लुक इतना नहीं आएगा ना, ये सब चीज़ें आएगा, रिवर गोदावरी रिवर कहाँ से निकला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकला है या फिर कौन सी स्टेट से निकला है, रिवर टॉलेस्ट बिगेस्ट लॉन्गेस्ट, दो क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं, टर्मिनोलॉजी, जियोग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिकल टर्म्स, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स और मिशनलियस टर्म्स, यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, यहाँ पर पूछ लेगा भाई जो कौन से वो प्लानट सबसे बड़ा है, कौन से प्लानट छोटा है, सूर्य का वो टाइमिंग क्या है घूमने का, मिलेगा क्या बताया मैंने, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स पढ़ लेना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको मिल गया एक क्वेश्चन और मिल गया, ठीक है। उसके बाद यूएनओ में आ जाओ, यूएनओ में मैंने वीडियो बनाया था, देखा कि नहीं भाई, यूएनओ जाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपकी, एक एक साल में आपकी 12 से 15 लाख रुपया बन सकता है, देख लेना, सॉरी 12 से 15 नहीं, 20 से 22 लाख बन सकता है, अगर जाओगे तो अगर आपकी इंडियन सैलरी और उधर का सैलरी मिला के 20 लाख के आसपास बन सकता है, जाना है तो आप जा सकते हो, और एक बाहर देश में जाके सर्विस करके आना, गांव में बता सकते हो छाती चौड़ी करके, यूएन में सर्विस करके आया मैं यूनाइटेड नेशन के साथ बाहर, ठीक है, तो वीडियो देख लेना भाई जाके ना, अगर आपको लगे तो जा भी सकते हो, अग्निवीर से भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आपको किसी ट्रेड में आप जाना चाहते हो, उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए आपको, नीचे कमेंट कर देना। चलिए यूएनओ पर चलते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स आएगा, पूछ लेगा भाई COAS कौन है, आजकल ज़्यादा पूछ रहा है आर्मी चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, तीनों चीफ का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, साथ में उनके बहुत सारे मेडल्स होते हैं, ABSM, BSM, क्या होता है वो, अति विशिष्ट सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, सेना मेडल, युद्ध जो YUSM, बहुत सारे ADC, ठीक है, तो ये क्या होता है, मेडल्स होता है, कभी कभी मेडल्स के साथ भी डाल देता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, उसको ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इंडियन टाउन्स, टेंट्स, UTS, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड का पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडिया का फेस्टिवल पढ़ लेना भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको दे देगा, इंडियन न्यूज एजेंसी एंड डेलीज, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ लेना, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरीज, एक क्वेश्चन इसको पढ़ लेना, एक क्वेश्चन एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है, बता दिया मैं आपको, इसमें आप क्लियर है, इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटी प्रिंसिपल लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल टेस्ट, एक नंबर तो आपका पक्का है, इसमें लिख लो, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक नंबर, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर एक नंबर, ठीक है, द वर्ल्ड प्लैनेट्स एंड एनिमल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेंट अफेयर्स हो जाऊँ, ठीक है, एक नंबर, ठीक है, टोटल कितना 10 से 12 क्वेश्चन मैंने बता दिया इस टॉपिक से, टोटल 15 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, जो मैंने क्रॉस मार दिया उसको छोड़ देना, बाकी आप पढ़ सकते हो। देखो मेरा फर्स्ट सजेशन यही है भाई कि पढ़ना सभी है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो जो बाकी कोर सब्जेक्ट मैंने बताया उसके साथ आपने जाना है। ये देखो यार क्या लिखा, दी एबव सिलेबस इज ए नॉट ए कंप्रेसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फिटिंग टू द सब्जेक्ट एट द टाइम, क्वेश्चन मे बी आस्क्ड अदर देन एबव टॉपिक्स बट डेफिनेटली विद इन द सिलेबस, ये बोल रहा है अभी कि CBSE से कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, ये जरूरी नहीं कि इसी से ही पूछता हूँ, लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन इतना में से ही आता है, मैंने 10-12 साल के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में आते हैं, हमने क्वेश्चन देखा है बहुत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, बंदों को दिया है, इसी से ही आता है क्वेश्चन, हम ही लोग बनाते हैं कभी कभी, तो हमारे को पता है यही टॉपिक से हम डालते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए मैंने जो चीज़ें बताई इसी से आएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए जनरल साइंस आपका 15 नंबर का जीके मैंने कवर कर दिया, तो एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। चलिए ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया फूड, न्यूट्रिशन, डिजीज प्रिवेंशन, विटामिन्स एंड अदर यूजेस, अभी क्या क्या पढ़ना है लिख लेना जो मैं टिक कर रहा हूँ, विटामिन्स, डिजीज, ये दोनों चीज़ पढ़ लेना, ठीक है, विटामिन्स और डिजीज, कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होता है, एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस कॉन्सेप्ट टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बेस्ट नंबर, क्या बोलता है, फंडामेंटल्स डे एक्टिविटीज, ठीक है, मेडिकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि नंबर एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला है, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑफ एज बिटवीन 16 to 20, ठीक है, ये बोल रहा है कि न्यूमेरिकल आएगा फिजिक्स में, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें बता देता हूँ, फिजिक्स में देखो आप 10th लेवल पर जा रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, 9th और 10th लेवल पर ऑप्टिक्स पढ़ लेना, ऑप्टिक्स पढ़ लेना, करेंट पढ़ लेना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना और पढ़ लेना वोल्टेज, ठीक है, इसी से ही आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज, ओम्स लॉ,
ठीक है, और ये ऑप्टिक्स, इसी में से आपका फिजिक्स कवर हो गया, बायोलॉजी में कौन सा डिजीज से कौन सा रोग होता है, ठीक है, उसके बाद मेडिकल टर्म्स पढ़ लेना उसमें, ठीक है, जो जीके बुक पढ़ोगे उसमें से पढ़ लेना, फिर भी इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है नीचे कमेंट कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत ही कम क्वेश्चन आएगा, आपका ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी और फिजिक्स को करके आएगा, ठीक है, ड्यू टू आप 10th लेवल में जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद न्यू मेडिकल आपका 16 से लेकर 20 साल के अंदर एक ग्रुप रेंजिंग बिटवीन 16 से लेकर वो न्यू मेडिकल एबिलिटी आएगा, बहुत ईजी आएगा, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कहाँ गए, मैथ में आ जाओ, यहाँ पर आपका 15 और 20 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बड़े बच्चे के 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बता देता हूँ। यहाँ पर LCM, ACM, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्रू ड्रायर, परसेंटेज एक क्वेश्चन, ओके, परसेंटेज का एक या दो क्वेश्चन, एवरेज दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन, ठीक है, जिस जिसमें टिक कर रहा हूँ वही पढ़ के जाना है, ठीक है, यही में आ गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका एक क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आज तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एवरेज, ठीक है, इसका कभी क्वेश्चन आया नहीं, आप दिखाई नहीं सकते मेरे को, ठीक है। यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन आपका हो गया, टाइम एंड वार कंडीशन, इसी को ढूंढ रहा था मैं, ठीक है। यहाँ तो आपकी ना और सिंपल इंटरेस्ट, बस यहाँ पर आपके पांच क्वेश्चन हो गया भाई, मैंने बता दिया आपके पांच क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, मैं चैनल बंद करवा दूंगा, पांच क्वेश्चन तो आपका यहीं करवा दिया मैंने, पांच से छह क्वेश्चन, ठीक है। अलजेब्रा में क्या है, बेसिक ऑपरेशन, फ्रैक्शन, LCM, LCM, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वेश्चन इसका, LCM, ACM मेरे को नहीं लगता आता है, यह आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ज्योमेट्री में लाइन सब एंगल, ट्रायंगुलेशन, क्वाड्रेटिस, पैरेललोग्राम और साइकिल, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये इन तीनों को नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन लाइंस और एंगल पढ़ सकते हो, लेकिन सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा। मेंसुरेशन में एरिया आ गया, एरिया एंड पैरामीटर सब स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम एंड सर्कल्स, बोला था ना सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ क्यूब, दो क्वेश्चन, ठीक है, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल, एक या दो क्वेश्चन, ये हो गया आपकी 10 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सेम वही बोल रहा है कि मतलब हम CBSE से भी डाल सकते हैं, लेकिन यही है, इतना ही पढ़ लोगे ना आपको तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आर्यंत का बुक खरीद लो, आर्यंत का बुक को बढ़िया से पढ़ लो, राम सिंह यादव का खरीदना है खरीद लो, या फिर लूसेंट का जो GK है वो पढ़ लो, ठीक है, इतना ही टॉपिक आपने पढ़ के जाना। मैंने कम से कम अगर मान लो 50 टॉपिक है, मैंने उसमें से आपके 20 कम कर दिए, 30 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और 30 में से आपकी कम से कम मतलब आपकी जो पासिंग मार्क चाहिए ना उससे क्रॉस करके आपका 75 नंबर पक्का है, जो मैंने टॉपिक बता दिया ना, अगर उसमें से सही पढ़ोगे और सही करोगे 75 नंबर होगा। फिजिकल में 100 नंबर आपसे मतलब लाना मेरा काम है, मैं बताऊंगा आपको अगले जो एक तारीख से, आपको ऑन ग्राउंड दिखाऊंगा जाके कैसे दौड़ना है, क्या चीज़ें करना है, कैसे पुल अप्स मारना है, ऑन ग्राउंड वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो चीज़ें ये नोट कर लेना। अगर आप टेक्निकल क्लर्क, सिपाही फार्मर, नर्सिंग असिस्टेंट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।